वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू सेठ ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। ये फ्रेंड्स सुबह सुबह बिलास है 7 बजे और इसको डायरेक्ट जगा के मैं बैठी हूँ। सोई थी बहुत ही आराम से। टेस्ट है और 7 बजे से है तो अभी सोई थी। अब मैं आके बिटिया रानी को जगाई हूँ। अब देखिए अभी सोने का इसका मन कर रहा है। ये पूरा बुक वगैरह फैला के रखी है, रात में होमवर्क कर रही थी वैसे छोड़ के सो गई। मैं भी छोड़ के सो गई और देखिए सुबह सुबह बैठे हम लोग। जब तक मेरी बेटी ऑनलाइन क्लास दे रही है तब तक मैंने सोचा सारे काम निपटा लेती हूँ और अपने बेटे को मैंने नहला दिया है और कपड़े वगैरह पहना दिया। उसके बाद मैं भी देखती हूँ फ्रेश हो जाऊँगी। पूरे काम कर लिए हैं और जब तक बेटी पढ़ाई कर रही है तब तक मैंने अपने बेटे को भी नहला लिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने। फिर नहाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, तो प्लीज़ वेट जरूर करिएगा। बिना नहाए ही नाश्ता कर लिए हैं आज, तो ठीक है फिर नहाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं, तो फिर बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में ज़रूर। नहा लिया है, कपड़े धुल रहे हैं मेरे और सुबह में नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था बिना नहाए, मैंने आप लोग को बताया ही। और अभी मैं बनाऊँगी सिंपल सी दाल और चावल और दोपहर में आएँगे तो फिर खाना वगैरह खाएँगे हम लोग। और सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर, सुबह में रोज़ रोज़ आजकल क्लास चलता है भाई। आप लोग, मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे बिल्कुल नाराज़ हैं क्योंकि मैं आप लोग के वीडियो पे आ नहीं रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आप ये तो हंस रही है, मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं खुद परेशान हूँ, मैं कैसे जाऊँ। मैं अपने पतिदेव जी पे रोज़ चिल्ला रही हूँ कि आप जियो फाइबर से, फाइबर वालों से आप बात नहीं कर रहे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं कि जल्दी से जियो फाइबर लगाओ, तो बोलते हैं कि खुद बोल लो और उन लोगों से बात कर लो तब आप लोग को तसल्ली होगा। और आप लोग को दिखाती हूँ, वायर तो यहाँ से चला गया है लेकिन उसका बॉक्स वगैरह लगाने में बोल रहा है 10 दिन लगेंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप मेरे वीडियो पर नहीं आ रहे हो, आप मेरे वीडियो पर नहीं आ रहे हो, तो फिर ठीक है बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। सुबह से तो मैंने आप लोग को दिखाया, थोड़े थोड़े क्लिप जो थे वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर लिया है, तो बने रहिएगा और देखते हैं आज के ब्लॉग में आप लोग के साथ क्या शेयर करती हूँ। ठीक, ये ब्लैक वाला वायर आप लोग को दिख रहा है ना, ये जियो फाइबर का है और ये लगा दिए हैं पूरा, लेकिन अभी यहाँ पर बॉक्स फिट करेंगे और यहीं से आएगा हम लोग के जो ब्लैक वाला राउंड राउंड गोल गोल वाला बंधा हुआ है ना, वही है जियो फाइबर का तार। बहुत ही दूर से आया है, अब क्या मैं बताऊँ, इसको आने में यहाँ पे बहुत ही टाइम लगेगा, कम से कम बोल रहा था 10 दिन और लगेंगे। कितना भी जल्दी अगर हम लोग काम करें 10 दिन लगेंगे और ये यहीं पे आके रोक दिए हैं। यहाँ से अंदर तक ले जाएंगे और यहाँ पे मैं आम काट रही हूँ क्योंकि मुझे खाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था, तो मेरी बेटी ने भी बोला मामा मेरे लिए भी काट दो, तो मैं हम दोनों के लिए काट रही हूँ, तो आ जाइए आप लोग भी खाते हैं साथ में आम। ये देखिए बुक वगैरह करके और ये देखिए खाना खा रही हैं। इधर आप बोलो हेलो, इसको नहीं मन करता है। और देखिए बुक वगैरह ऐसे ही फैलाई है और यहाँ पे मैंने अभी शूट किया है वीडियो, ट्राईपैड अभी मैंने ही रखा है, इसको अभी हटाना है नहीं तो बाबू तोड़ देगा। और ये देखिए पूरा पढ़ाई करके ऐसे ही रखे रहती है। बाहर साड़ी पहना है क्योंकि मुझे साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लगता है साड़ी साड़ी पहन लेती हूँ ना तो मेरा शरीर बंधा बंधा जैसे लगता है। और कई दिन सोचती हूँ साड़ी पहनूँगी साड़ी पहनूँगी, लेकिन जब टाइम आता है पहनने का तो फिर एकदम इच्छा हट जाता है क्योंकि बहुत ही टाइम लगता है और अनकंफर्टेबल फील होता है साड़ी में, लेकिन मैं फिर भी पहनना चाहती हूँ साड़ी क्योंकि साड़ी भारतीय नारी का श्रृंगार है आप लोग को पता है। और आज मैंने पहना ये वाला साड़ी, एक बार आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया था 1 जनवरी के दिन मैंने इसी को पहन के छातागढ़ मैं गई थी, छातागढ़ इसी साड़ी को पहन के गई थी और आप लोग के साथ शेयर किया था और आप लोगों ने देखा भी होगा इस साड़ी को मैंने पहने हुए थे। देखिए ये साड़ी बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैंने बहुत दिन से इसको रखी हूँ, साड़ी को पहनी नहीं थी
और दोपहर का टाइम में देखिए चिड़िया चहचहा रही हैं, अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके। चलिए चलते हैं अंदर और थोड़ी देर बैठती हूँ। लग रहा है आ गए हैं, अभी दरवाज़ा खोलती हूँ, दाल चावल बन चुका है, अब जा रही हूँ दरवाज़ा खोलने। ठीक है, फिर लंच करने के बाद आप लोगों से मिलूँगी मैं। आए, अब मैंने खाना बना लिया था, सुबह में पत्ता गोभी की सब्ज़ी और पराठा बनाया था मैंने, और ये तुरंत आए, इनको मैंने दोपहर का लंच दिया और ये तुरंत चले गए, क्योंकि 15 मिनट का बस टाइम इनको मिला था, तो अभी ये खा के चले गए। मैंने भी खाना खा लिया है और अभी देख रही हूँ टीवी, और बैठ के टीवी देख रही हूँ। कुछ देर टीवी देखने के बाद थोड़ा सा आराम करूँगी, तो फिर बने रहिएगा, मिलती हूँ शाम के टाइम में मैं आप लोगों से। देर तक सो गई थी और आप लोग को पता ही है दिन में आजकल मैं सोती हूँ, नहीं सोऊंगी तो सर दुखने लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने चाय, ठीक है, ये चाय, और अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। शाम के 5:30 हो रहे हैं और मैं देख रही थी सावधान इंडिया, और ये देखिए चाय बन रही है। तो आप लोग भी आइए मेरे साथ चाय पीने। तो कैसे हैं आप सब, बोलो कैसे हैं आप सब, आप सब कैसे हैं? हेलो हेलो, तैयारी करने जा रही हूँ, और रात के डिनर में मैं बनाऊंगी लाल भाजी, और जा रही हूँ मैं इसी को साफ़ करने। तो फिर इसको साफ़ करते मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और मैंने सोचा चलो अब साफ़ करती हूँ और रात के डिनर की तैयारी भी करती हूँ मैं। और तो ये देख लीजिए लाल भाजी, इसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग के यहाँ शायद मिलता होगा ना, हमारे यूपी में तो जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ लाल भाजी नहीं मिलता है, चौलाई भाजी मिलता है, चौलाई मिलता है, बथुआ मिलता है, पालक मिलता है, और बहुत से ऐसे भाजी जो मिलते हैं, लेकिन ये लाल भाजी मैं यहीं आके बनाने लगी। और देखिए बहुत ही मतलब हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये लाल भाजी, और इसको मैं जा रही हूँ बनाने अभी रात के डिनर में। तो आज का वीडियो मैं सोच रही हूँ यहीं पे एंड कर लेती हूँ, ठीक है, मैं आज का वीडियो सोच रही हूँ यहीं पे एंड करती हूँ। तो होप आपको मेरा ये वीडियो ब्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिले। इसी के साथ धन्यवाद, श्री राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो पूरा देखने के लिए, देखिए चढ़ रहे हैं ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।